नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप भी फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए आवेदन करने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट में आपके लिए लाता रहता। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है फ्री सिलाई मशीन योजना, इसको आपको सर्च कर लेना है। इसको सर्च कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं pmmodischeme.in, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप पीएम मोदी स्कीम सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी में इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्री सिलाई मशीन, यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद दोस्तों आप सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक नई योजना आरम्भ की गई है जिसका नाम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 है। हमारे देश की महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा योजना आरंभ की गई है। इस योजना के द्वारा सरकार ने हमारे देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने की बात की है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरव्यू ऑफ पीएम फ्री सिलाई मशीन, यहाँ पर योजना का नाम भी आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना आरंभ की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2022 में लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन, उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, लाभ भरण पोषण के लिए आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना, श्रेणी केंद्र सरकार की योजना है। आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.in। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इन चीजों को पढ़कर बताऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। आप इस वेबसाइट पर आने के बाद में सारी चीजों को अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के लाभ भी यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत आने वाले राज्य, मतलब दोस्तों यहाँ पर यह योजना कुछ ही राज्यों में अभी स्टार्ट की गई है, जिनकी सूची कुछ इस प्रकार है: हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन राज्यों में अभी फ्री सिलाई मशीन योजना आरंभ की गई है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना की पात्रता, यहाँ पर दोस्तों फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अनुसार आवेदन करने वाली महिलाओं की आयु 20 से 40 वर्ष होनी चाहिए, अन्यथा वे इस योजना के पात्र नहीं होंगी। इस योजना के अनुसार श्रमिक महिलाओं के पति की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। देश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत पात्र होंगी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अनुसार देश की विधवा और विकलांग महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज, यहाँ पर दोस्तों आवेदन करने के लिए जो भी दस्तावेज लगने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। यहाँ पर दोस्तों आयु प्रमाण पत्र का मतलब हो गया जो आपकी, जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में आपकी एज लिखी हो तो वो आयु प्रमाण पत्र हो जाएगा। इसके बाद में आय प्रमाण पत्र मतलब जो भी आपके पति की आय होगी उसका प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद में यहाँ पर पहचान पत्र होना चाहिए, अगर विकलांग है तो विकलांग चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर कोई महिला विधवा है तो उनका निराश्रित विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 में आवेदन कैसे करें। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट पर पेज खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट के सामने होम पेज पर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ही आवेदन पत्र डाउनलोड करना के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे सारी चीजें रीड करेंगे, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र डाउनलोड। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद दोस्तों आपको इसको कम्प्लीटली फिल कर लेना है। कम्प्लीट फिल कर लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको नेम महिला का नाम डाल देना है। जो भी प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनका यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फीमेल डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस फिल कर देने के बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जो भी आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको कास्ट डाल देनी है, आपकी क्या कास्ट है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। और यहाँ पर आपको आप सिलाई मशीन क्यों लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है, या फिर यहाँ पर आपको लिख देना है आप गरीब हैं इसलिए, आप विधवा हैं इसलिए, डिसेबल्ड वाइफ हैं इसलिए, या फिर हैंडीकैप हैं, कोई विकलांग हैं इसलिए। तो यहाँ पर आपको वो रीज़न लिख देना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको क्या आपने कभी भविष्य में फ्री सिलाई मशीन ली है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और यहाँ पर आपको ये भी पूछा जाएगा जो आपको प्रशिक्षण कहाँ से मिला था, आपने सिलाई मशीन कहाँ से सीखी थी, यहाँ पर आपको ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो एनक्लोज और नोट, आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो है या नहीं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। सिग्नेचर कर देने के बाद में दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आपको फॉर्म फिल कर लेने के बाद दोस्तों आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपका एक इनकम सर्टिफिकेट तहसील से बना होना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज का प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड भी हो सकता है। इसके बाद में अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विधवा हैं तो विधवा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आपने अगर कोई टेलर का काम किया है पहले कभी भी तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। इस फॉर्म के साथ अटैच कर देने के बाद दोस्तों आपका कम्प्लीटली फॉर्म फिल हो जाएगा। इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में इसको जमा कर देना है। समाज कल्याण विभाग में अगर ये जमा नहीं हो पाता है तो आपको अपने ब्लॉक में जमा कर देना है। और ब्लॉक में जमा कर देने के बाद दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद में दोस्तों आपकी सारी प्रक्रिया जो भी आगे की होगी वो सारी स्टार्ट कर दी जाएंगी। और उसके बाद में आपको आपकी फ्री सिलाई मशीन दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आप अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करके फ्री सिलाई मशीन ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके फ्री सिलाई मशीन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके फ्री सिलाई मशीन ले सकते हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आगे आपको ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस मैं अब आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बताया था, उस फॉर्म को आप ऑफलाइन ही किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हैं। के बाद में दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके स्टेट से भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश, आपको डाल देना है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश। डाल देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों जैसे बढ़ई दर्जी टोकरी बुनकर वाले नाई सुनार लोहार कुमार हलवाई मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 15,000 से ज्यादा लोगों को कामकाज मिलेगा। इस योजना के तहत मजदूरों को प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी।
इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आप दर्जी का काम करना चाहते हैं तो आपको योगी सरकार की तरफ से फ्री सिलाई मशीन के साथ साथ 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है और बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका आधार कार्ड भी लिंक होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, 1,43,000 से अधिक आर्टिसंस को प्राप्त लाभ भी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों 1,43,000 लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल चुका है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना के अंतर्गत बांटी गई टूल किट, यहाँ पर दोस्तों आप सारी चीजों को इसको रीड कर सकते हैं। इसको रीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022, इस योजना का लाभ और जिनके द्वारा ये शुरू की गई है, इस वेबसाइट पर आकर इन सभी चीजों को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2022 के दस्तावेज के बारे में, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है और आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद में आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों आपको फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है अब मैं आगे आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों आप उत्तर प्रदेश उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन। पहली बार अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करे हैं और आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना है, जिसमें आपको चयन करने में आपको क्लिक करना है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, पिता का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको जिला सिलेक्ट कर लेना है और आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा। मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड भेज देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको उपयोगकर्ता नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको अपना जो मोबाइल नंबर पर आपके पर पासवर्ड भेजा गया था उस पासवर्ड को फिल कर लेना है। पासवर्ड को फिल करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने के बाद में आप फिर से आप इसी पेज पर आ जाएंगे। तो इस पेज पर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको अपना आईडी पासवर्ड नहीं जनरेट करना आता है तो इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको नवीन उपयोगकर्ता का पंजीकरण करने का कंप्लीट प्रोसेस भी बता रखा है और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो भी आपको बता रखा है। उसको वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, आप आराम से अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना है। आईडी पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको व्यक्तिगत विवरण डालना है और आपको बैंक विवरण डाल देना है। व्यक्तिगत विवरण में आपको आवेदक का नाम फिल करना है, जन्म तिथि डालनी है और लिंग यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैरिड अनमैरिड डाल देना है, जो भी है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपने पति का नाम डाल देना है। इसके बाद में आपको जाति सिलेक्ट कर लेनी है। जाति सिलेक्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको पारंपरिक व्यवसाय यहाँ पर आप क्या करते हैं वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको याद रहे कि अगर आप दर्जी डालेंगे तो आपको सिलाई मशीन मिलेगी और अगर आप नाई डालेंगे तो नाई का सामान मिलेगा, अगर आप टोकरी बुनकर डालेंगे तो टोकरी बुनकर का सामान मिलेगा, बढ़ई डालेंगे तो बढ़ई का सामान मिलेगा और मोची डालेंगे तो मोची का सामान मिलेगा और सुनार डालेंगे तो सुनार का सामान सरकार की तरफ से मिलेगा। और इसके बाद में दोस्तों अगर आप हस्तशिल्प पहचान पत्र संख्या है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको स्थायी पता डाल देना है। स्थायी पता डाल देने के बाद दोस्तों आपको तहसील डालना है, ब्लॉक डालना है, ग्राम डालना है और यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। और पिन कोड डाल देने के बाद दोस्तों क्या अस्थायी पता स्थायी पते के समान है, जो आपने ऊपर स्थायी पता डाला है वो अस्थायी पता के समान है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, अदरवाइज आपको नहीं कर देना है। और इसके बाद में आपको क्या आप पारंपरिक व्यवसाय से संबंधित जाति के हैं, जो आपने अब व्यवसाय डाला है
जैसे आपने बढ़ाई डाल दिया है, आप बढ़ाई है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है, और अगर आप किसी और जाति से हैं तो आपको नहीं कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आप प्रवासी श्रमिक कारीगर हैं, प्रवासी से आशय दूसरे राज्य के श्रमिकों से है तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हूँ, परिवार के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा योजना अंतर्गत लाभ नहीं लिया गया है, परिवार से आशय केवल पति और पत्नी से है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क कर देने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ने पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको बैंक विवरण पर पहुँचा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बैंक विवरण डाल देना है। बैंक विवरण में यहाँ पर आपको बैंक का नाम डाल देना है। बैंक का नाम डाल देने के बाद आपको IFS कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। IFS कोड फिल कर देने के बाद आपको सिंपली सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपकी जो भी शाखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी खाता संख्या पर फिल कर देनी है। खाता संख्या फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र संशोधित करें। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई भी गलती हो गई है तो यहाँ पर आपको सही कर लेना है और फिर से आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप बैंक विवरण में भी सही कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो यहाँ पर आप इसे भी सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र की प्रति के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ग्राम प्रधान का, नगर पंचायत के अध्यक्ष का, नगर पालिका के परिषद के या फिर आपको पार्षद का यहाँ पर मोहर लगवा लेनी है और उनके साइन करवा लेने हैं और उसका आपको फोटो क्लिक कर लेना है। फोटो क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग टू में आपको दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको अपना हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, एक प्लेन पेपर पर आपको अपना हस्ताक्षर कर लेने हैं। हस्ताक्षर करने के बाद आपको उसका फोटो खींच लेना है। फोटो खींच लेने के बाद दोस्तों आपको उसका साइज छोटा कर लेना है जो कि आपका 20 KB मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर आपको फोटो का साइज छोटा करना नहीं आता है तो इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट्स का या फिर अपने पासपोर्ट साइज फोटो का कैसे छोटा साइज कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको आयु प्रमाण पत्र पर क्लिक करके अपना आयु प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना पासबुक या कैंसिल चेक भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली राशन कार्ड, किरायनामा, यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक चीज आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको 6वें नंबर पर आपको परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र जो कि आपको अभी मैंने दिखाया था, जिसमें आपको अपना ग्राम प्रधान की या फिर पार्षद की मोहर लगाकर साइन करने के लिए बोला गया था, उसका आपको फोटो खींचकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसको अपलोड कर देने के बाद दोस्तों आपको फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के 10 से 15 दिन बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा। इसमें दोस्तों आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। ऑफिस बुलाने के बाद में दोस्तों एक लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट में आपको अपना नाम सर्च कर लेना है। नाम सर्च कर लेने के बाद दोस्तों वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में दोस्तों वहाँ पर आपका 6 दिन की ट्रेनिंग होगी। 6 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद में दोस्तों आपको फ्री सिलाई मशीन दे दी जाएगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।